रिव्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पुलिस का मुखबिर होने के शक में दोस्त ने कर दी युवक की हत्या, ऐसा खुला राज। यह घटना नागपुर से सामने आई है। नागपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यह 34 वर्षीय शख्स की उसके ही दोस्त ने पुलिस का मुखबिर होने के शक में हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पुलिस ने राजेश और राजा मेथवानी और उसके एक रिश्तेदार राहुल के खिलाफ उमेश उर्फ जीतू गर्गनी की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि मेथवानी के पास से कथित रूप से शराब की कुछ बोतलें बरामद हुई थी, जिसके बाद पिछले महीने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जरूरी खबर, 30 जनवरी को होने वाली परीक्षाएं हुई स्थगित। यह घटना मुंबई यूनिवर्सिटी से सामने आई है। मुंबई यूनिवर्सिटी की 30 जनवरी को होने वाली कुल 30 परीक्षाओं को टाल दिया गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 30 जनवरी को होगा, इसलिए विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ये परीक्षाएं अब 7 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की हुई स्क्रीनिंग, यह घटना हैदराबाद से सामने आई है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के एक समूह ने सोमवार को कैंपस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, जिसे फेटर्निटी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उनकी ओर से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की ओर से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का आयोजन किया है। इन समूहों को 50 से अधिक छात्रों ने स्क्रीनिंग में भाग लिया है। गोली लगने से 7 साल के बच्चे की मौत, यह घटना नालंदा से सामने आई है। नुरसराया थाना इलाके में परमानंद बीघा गांव में सोमवार की रात बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर फायरिंग की गई है। इस दौरान गोली लगने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। गांव में ही किसी व्यक्ति के घर पर जन्मदिन समारोह का आयोजन हुआ था। इस दौरान हथियार से लैस होकर कुछ लोग पहुंचे थे। पार्टी में वह अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उधर गोली लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानंद में बर्थडे पार्टी छोड़ सभी लोग मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की सूचना जैसे ही स्थानीय थाना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे की शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेजा। फिलहाल घटना के बाद सभी लोग गायब है, पुलिस उनकी छानबीन करने में जुटी है। मृतक बच्चे की पहचान सुधीर प्रसाद के 7 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि परमानंद बीघा गांव में नरेश यादव की पोती के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम हुआ था। आयोजन हालांकि चर्चा है कि नाच के दौरान गोली चली है, लेकिन नूरसराय थाना पुलिस डांस होने की पुष्टि कर रही है पुलिस का कहना है कि केक काटने के दौरान गोली चली है। सदर DSP डॉक्टर शेबली नोमानी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद फौरन पुलिस गांव पहुंची। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा दिया गया था। गांव के ही नरेश यादव के पोती का जन्मदिन था, इसी मौके पर गोली चली है, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई।